IPL 2021 में ये पांच बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स रिवर। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख के पहचान ही गए होगे कि IPL 2021 में कुल पांच नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बनाने वाला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो गाइस, वीडियो को अभी से कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बदलाव की। तो गाइस, सबसे पहला बड़ा बदलाव आता है टीमों को लेके। जैसे कि दोस्तों, आईपीएल में टोटल 8 टीम सभी फिलहाल करंटली खेलते हैं, और जैसे कि पहले बहुत पहले डेक्कन चार्जर्स करके टीम खेलती थी, और गुजरात लायंस हो गए, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स हो गए। एक टाइम ऐसा था कि आईपीएल में कुल 9 टीम्स 10 टीम्स खेलते थे, लेकिन दोस्तों ये टीम्स को कर दिया, हटा दिया गया और अब टोटल 8 टीम्स खेलती है आईपीएल में। अब दोस्तों, अब ये आ रहा है, र्यूमर फैल के आ रहा है कि अब आईपीएल में टोटल 9 टीमें खेलेगी। जैसे कि 8 टीम्स तो खेलती है, लेकिन अभी साथ ही साथ 9वां टीम भी जुड़ जाएगा। तो गाइस, ये र्यूमर तो नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने भी ऐसा कहा था, लेकिन जिस हिसाब से कहा था कि 2-3 साल में हम मतलब नए टीम लाएंगे, लेकिन अभी जिस हिसाब से लग रहा है कि 9वीं टीम इसी सीजन हमें देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ये तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं दूसरे बड़े रूल की। तो गाइस, दूसरा बड़ा रूल आता है टाइमिंग मैचेस और शेड्यूल को लेके। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आईपीएल में टोटल मतलब कि जो पिछला 2020 का जो आईपीएल हुआ था वो 7:30 बजे से स्टार्ट, 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता था, और टोटल दोस्तों आई थिंक 11:30 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा मैच खत्म हो जाता था। और जो दोपहर के मैचेस थे वो दोस्तों स्टार्ट होते थे 3:30 बजे और 7:30 बजे ख़त्म हो जाते थे। और इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम ये थी कि जो दोपहर के मैचेस थे बहुत कम होते थे एज़ कम्पेयर टू नाइट के मैचेस। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार टाइमिंग मेरे हिसाब से वही कर दिया जाएगा 8 बजे, क्योंकि दोस्तों जो वेन्यू होगी वो इंडिया होगी और इसमें 8 बजे आपको मैच शुरू होते हुए दिख जाएगा और 11:30-12 बजे मैच आईपीएल का ख़त्म होगा। तो गाइस, ये रही दूसरी बड़ी बदलाव। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी बदलाव की। तो गाइस, तीसरा बड़ा बदलाव आता है ओपन सेरेमनी को लेके। तो गाइस, बहुत सारे बंदे सोच रहे हो कि आईपीएल 2021 में ओपन सेरेमनी होगा, लेकिन दोस्तों इस बार नहीं होगा। जैसे कि पिछले 2 सीजन आप देख रहे हैं कि ओपन सेरेमनी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, उन्होंने यही कहा है कि अब जो पैसे सेरेमनी में खर्च करते हैं वो पैसे नहीं खर्च करेंगे उसमें, वहाँ पर कहीं जाके किसी और चीज़ में इस्तेमाल करेंगे। 2 साल पहले इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि दोस्तों जो इंडियन के जवान हैं, दोस्तों जो सैनिक है, सोल्जर्स है, उनको फंड कर दिया था, इस वजह से ओपन सेरेमनी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों सौरभ गांगुली ने साफ साफ मना कर दिया कि ओपन सेरेमनी अब आईपीएल में नहीं होगा। जब तक सौरभ गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहने वाले तब तक तो दोस्तों ना ही होगा। तो गाइस, ये रहा तीसरा बड़ा चेंजेस। अब बात करते हैं चौथी बड़ी चेंजेस को। गाइस, चौथा बड़ा चेंजेस आता है मिड सीजन ट्रांसफर को लेके। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि मिड सीजन ट्रांसफर आईपीएल 2020 में हुआ था, लेकिन दोस्तों इतने ज़्यादा ट्रांसफर यानी कि बहुत ही कम ट्रांसफर्स हुए थे। लेकिन दोस्तों 2021 में आपको बहुत सारे ट्रांसफर्स देखने को मिल जाएंगे। मिड सीजन ट्रांसफर क्या होता है कि आईपीएल के बीच में आप एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर से मतलब कि एक प्लेयर को एक टीम से दूसरे टीम में ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस, उसमें रूल क्या होता है, अगर आप 7 मैचेस खेलो तो कम से कम 7 में से 2 मैच खेलने से उससे कम मैच होगा तभी आप ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ दोस्तों मिड सीजन ट्रांसफर में क्या होता था, जो अनकैप प्लेयर है उसी को आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आप कैप प्लेयर को भी आप ट्रांसफर यानी कि बड़े बड़े प्लेयर को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस, ये रही बहुत बड़े चेंजेस। अब बात करते हैं चौथे बड़े चेंजेस को लेके। तो गाइस, चौथा बड़ा चेंजेस ये आता है कि जो बाउंड्री काउंट रूल है वो भी चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि सुपर ओवर होता है, अगर सुपर ओवर में मैच टाई हो जाता है तो दोनों ही टीम्स के चौके यानी कि बाउंड्रीज चेक किए जाते हैं, और बाउंड्रीज जिस टीम के ज़्यादा होते हैं वो टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस सीज़न ऐसा नहीं होने वाला है, विजेता घोषित यानी कि इस सीज़न ऐसा नहीं होगा।
मतलब कि दोस्तों जो सुपर ओवर होता है उसमें अगर दोस्तों अगर मैच टाई हो जाता है तो फिर से सुपर ओवर होगा, अगर वो सुपर ओवर भी टाई हो जाएगा तो फिर से सुपर होगा, जब तक रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक सुपर ओवर होते रहेगा। जैसे कि आपको आईपीएल 2020 में पता ही होगा कि एक मैच में दो सुपर ओवर हुए थे, किंग्स एंड पंजाब और मुंबई इंडियंस के मैच में शायद से हुआ था, तो उस मैच में दो सुपर ओवर हुए थे, तभी भी दोस्तों मैच का रिजल्ट नहीं निकला, तो दूसरे सुपर ओवर में फाइनली मैच का रिजल्ट निकल गया। तो गाइस ये भी बहुत अच्छा रूल है। तो गाइस ये रहे पांच बड़े रूल्स, और छठवां यानी कि मेरे तरफ से बोनस रूल मैं आपको बता देता हूँ, वो है बाउंड्री को लेके। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि दोस्तों नो बॉल होता है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि नो बॉल में आप देखिए आईपीएल 2020 के मैचेस में नो बॉल बहुत ही बॉलर्स करते थे, जैसे ही नो बॉल होता था अंपायर्स पहचान जाते थे। ऐसा क्यों रहा मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई ने नो बॉल के लिए भी एक स्पेशल अंपायर बिठा रखा है मैच में। जैसे कि दोस्तों एक अंपायर का काम होता है कि अंपायरिंग संभालना, और एक अंपायर होते थर्ड अंपायर, और एक अंपायर लेग साइड रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक अंपायर और ऐड हो जाता है जो सिर्फ नो बॉल का काम संभालेगा, कैमरा में चेक करेगा कि जो स्पेल किया है बॉलर ने वो नो बॉल है कि नहीं, अगर नो बॉल होगा तो डायरेक्ट सिंगल देगा, और आपको पता होगा मैच के पीछे साइरन बजता है तो गाइस वही अंपायर बजाते, इसी वजह से पता चल जाता है कि वो नो बॉल है। तो ये भी बहुत अच्छी रूल है। तो दोस्तों ये रहे पांच बड़े रूल, आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो थोड़ी बची लगी वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। सो गाइस उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन नहीं इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।